अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कौसर स्लैम। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मटन कोरमा की रेसिपी, और मैं अपने पेरेंट्स की तरफ आई हूँ। मैंने उनको कहा मैं अपने हाथों का खिलाती हूँ अपने पेरेंट्स को। तो हमने 4 ऑनियंस ले लिए हैं, 1 किलो मटन लिया है। पीछे से इनाया इसी मीटिंग में मेरी भांजी खेल रही है साथ साथ, और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो हाँ, पहले हमने प्याज को लाल कर लेना है अच्छे से, ठीक है। और मैं मसाले आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ 2 सेकंड में। ये रहे मसाले। 1 टीस्पून हमने ले लिया जीरा पाउडर, यानी कि क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है। 1 टीस्पून हमने ले लिया। और खड़े मसाले हमने, आप इससे मेरे 1 चम्मच हम वो डाल देंगे। खड़े मसाले आपको पता ही होते हैं घर में, जो जो अवेलेबल है वो सारे पीस के एक बॉटल में बंद कर दिया है हमने, और हमने 1 टीस्पून डाल दिया। अदरक लहसुन के साथ मटन को अच्छे से भूनेंगे ताकि कोई स्मेल ना रहे। ये रही हमारी प्याज, मैंने इतनी लाल की, ज़्यादा काली नहीं की, इतनी नॉर्मल, ठीक है। और फिर हमने 1 कप दही में इसको ब्लेंडर में अच्छे से थोड़े से पानी डाल के ब्लेंड कर देना, इसमें कोरमे का टेक्स्चर आएगा। आप लोग देख रहे हैं मटन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भुनने के प्रोसीजर में आ चुका है, इंटर हो चुका है, एंड इसमें से कोई स्मेल नहीं रहेगी। मसाले फिर से देख लें, ये 1 टेबलस्पून डाला था मैंने खड़ा मसाला में, जो टेस्ट होगा इसका, ये वाला पिसा हुआ। आज भी देख रहे सारे मसाले लगे हुए हाथों में। तो जब अच्छे से गोश्त भुन जाएगा, हमने डाल देने हैं ये सारे मसाले, ठीक है। फिर हमने मसाले को अच्छे से भुनना, भुने अंटिल द कलर कम्स। जब मसाला अच्छे से भुन जाए, हमने जो दही में प्याज पीसा था वो डाल देंगे हम, और इसके बाद हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे, यानी ब्लेंडर में जो लगा हुआ है ना वो भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, वो हमने उसमें पानी मिक्स करके ना वो भी डाल देंगे, ठीक है। और ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर ऑलरेडी आ चुका है। अभी हमने इसको गलाना है गोश्त को, अभी तो हमने बस भूना था, मसाले भून के डाले ना, तो अभी हम इसको 20 मिनट्स के लिए पानी डाल देंगे और कुकर पे रख देंगे। तो शाम के टाइम मैं बना रही थी, इट्स 8:05 टिल 8:20 मैं रखूँगी इसको, या 25 तक, यानी कि 25 मिनट्स तक रखूँगी। और उसके अंदर थोड़ा सा मैंने डाल दिया था, क्या कहते हैं, एसेंस खुशबू के लिए, और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी थी, एंड इट्स रेडी। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बना था, मेरे पेरेंट्स को, मेरे भाई को बहुत ही पसंद आया था, मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था मैंने बनाया था ना, ज़बरदस्त बना था माशाल्लाह से। मम्मी की रेसिपी है ये, और बहुत ही ज़बरदस्त और ईजी रेसिपी है। Do subscribe my channel and keep watching Kausar's Slam. Allah Hafiz.